आप अपनी बेबी डॉल के लिए ड्रीम नर्सरी DIY करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। हमारे चैनल लालीलू पर देखें और बनाएं। कोई भी पुराना डिब्बा गुड़िया की नर्सरी के लिए बेस हो सकता है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स की 3 साइड्स को छोड़ दें। भागों को फिट करने के लिए नाप लें। नीचे की ओर डबल साइडेड टेप लगाएं। उस पर नरम फोम शीट बांधें। दीवारों के साथ भी ऐसा ही करें। रंग बहुत कोमल है। हमें उम्मीद है कि हमारी बेबी राजकुमारी इसे पसंद करेगी। दीवारों पर पिक्चर लगाएं ताकि बच्चे के कमरे में हमेशा एक खुश और आरामदायक वाइब हो। मीठे सपनों के लिए एक आरामदायक जगह बनाते हैं। एक्स्ट्रा लकड़ी की छड़ी को काट लें। एक साबुन डिश के कैप पर बार को चिपकाएं। ये हमारे बच्चे के पालने के लिए एक फ्रेम है। एक्रिलिक पेंट के साथ पूरे फ्रेम को कोट करें। गुलाबी फोम पेपर की एक पट्टी के साथ पालने के प्लास्टिक तल को कवर करें। ऊपर किनारों पर लेस जोड़ें। उसी तरह डेकोरेटिव रिबन जोड़ें। फोम रबर से एक फिटिंग शेप का एक टुकड़ा काट लें। फोम पेपर से एक ऐसा ही टुकड़ा काटें। फोम रबर के टुकड़े की तुलना में हमें फोम पेपर की एक चौड़ी पट्टी की भी जरूरत है। तीनों टुकड़ों को एक साथ चिपकाएं। हो गया, हमारे छोटे बच्चे के लिए गद्दा तैयार है। इसे रखकर तो हमारे बच्चे को खूब नींद आती है। चलो पालने में लेग्स जोड़ते हैं। मोतियों का इस्तेमाल करें। कपड़े से रेक्टेंगल काटें। दो परतों को एक साथ सिल दें। खोखले फाइबर से तकिए के खाली हिस्से को भर लें। जब तक यह भर जाता है तो आप किनारों को हार्ड ग्लू कर सकते हैं। ग्लू को बचाते हुए ध्यान से काटें। ये कुशन कितने प्यारे और मुलायम है, बिल्कुल बिल्ली के पंजे की तरह। कपड़े पर पालने के आकार को ट्रेस करें और फिर इसे काटें। इसे इलास्टिक डेकोरेटिव रिबन के साथ सजाएं। कितना अच्छा कंबल है, आप बस अपने आप को इसमें लपेटने का इंतजार नहीं कर सकते। मोतियों को एक धागे में रखें और बच्चे के रैटल को बार पर लटकाएं। हो गया, अब बच्चा घंटों तक छत पर घूरेगा नहीं, क्योंकि इसमें पासवर्ड दिलचस्प करने को है। शांत हो जाओ, बच्चा सो रहा है। एक हेयर कलर से बेस को अलग करें। हम इसमें से एक बेड साइड टेबल बनाएंगे, तो आपको जो कुछ भी चाहिए वो पास में है। देखो मुझे क्या मिला, एक चमकती हुई बनी के साथ एक रिंग। हम इसे एक प्यारा सा नाइट लैम्प बना सकते हैं। और एक न्यूबॉर्न के लिए एक टूथपिक और कुछ मोतियों के साथ एक रैटल। टूथपिक पर सजावट को सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक लगाएं। हैंडल को पेंट करें। जब ये हो जाए तब एक्स्ट्रा को काट लें। जब वो उठेगा तो वो मजे करेगा। कमरे के किनारे पर मेजरिंग टेप का एक टुकड़ा जोड़ें। हम अपने बच्चे की ऊंचाई पर नजर रखेंगे। एक बॉक्स को आधा काटें। एक आधे को कपड़े पर रखें और चार कोनों में कट लगाएं। अब बेस को काट दें। आपके पास जो टुकड़ा है उसे डाल दें। पीछे एक रिंग को हॉट ग्लू से चिपकाएं।
वो दराज के लिए एक हैंडल है, दूसरे आधे हिस्से के साथ भी ऐसा ही करें। चलो एक बॉक्स लेट से हमारे भविष्य की अलमारी के लिए फ्रेम बनाएं। सबसे पहले वुडन स्पैचुला को काटें ताकि चौड़ाई अलमारी की चौड़ाई के बराबर हो। पहली बार को सबसे बेस पर हॉट ग्लू करें ताकि अलमारी खड़ी रहे। शेल्व्स और पार्टीशंस को बराबर गैप पर जोड़ें। कार्डबोर्ड की एक पट्टी और एक बो के साथ अलमारी के टॉप को सजाएं। अलमारी के पीछे और अलमारियों के शेल्व्स को एक ही रंग से पेंट करें। इस अलमारी में बच्चे का सारा सामान फिट हो जाएगा। बहुत सारे खिलौने जैसी कोई चीज नहीं, खासकर जब बात आपके प्यारे बच्चे की हो। लेकिन बड़े उन्हें वैसे भी उठा रहे होंगे। जब आपके पास ये अद्भुत अलमारी हो तो सफाई एक खुशी बन जाती है। कोई भी बच्चा इतने सारे खिलौने पाकर खुश होगा। एक टूटी हुई गुड़िया की कुर्सी को मत फेंके, हम इसे काम में लाएंगे। एक स्ट्रॉ को चार समान भागों में काटें। कुर्सी पर नए लेग्स को चिपकाएं। वाह, क्या बड़ी ऊंची कुर्सी है। लकड़ी के स्पैचुला के टुकड़ों में से एक नई सीट बनाएं। कुर्सी के सभी किनारों को लकड़ी के टुकड़ों से ढक दें। पतले टुकड़े से आर्म रेस्ट बनाएं ताकि बच्चा लंच के समय गिर ना जाए। किनारों पर प्लेट स्टैंड लगा दें। हमारी ऊंची कुर्सी लगभग तैयार है, हमें बस इसे पेंट करना है। ग्लिटर और एक फोम पेपर स्टार जोड़ें। हरी खाना शानदार होगा। बस हम भोजन परोस सकते हैं। हम जितने बड़े होते जाते हैं, हम मानते ही नहीं कि हम कभी बच्चे थे। इसलिए हम एक सच्चा सबूत बनाने जा रहे हैं। एक बेबी डायरी के लिए बार्बी कैटलॉग से तस्वीरें और शब्द काटें। हम पेजेस के बजाय पोस्ट नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। पैटर्न वाले पेपर से कवर बनाएं। पूरी डायरी कवर के अंदर झुकने वाली लाइन पर होगी। डायरी को सबसे जरूरी अवसरों और तस्वीरों से भरें। नाम, जन्मदिन, ऊंचाई, वजन। रिबन के दो टुकड़ों में से एक फास्टनर बनाएं और एक बो से बांध दें ताकि सभी अच्छी यादें सेफ हो। जरूरी लंबाई पाने के लिए वुडन स्पैचुला के टुकड़ों को काटें और उन्हें एक दूसरे पर चिपका दें। दो डायगोनल छड़ी के साथ फ्रेम को मजबूत बनाएं। एक्रिलिक पेंट के साथ शेल्फ को कोट करें। फास्टनर के लिए दीवार पर टूथपिक टिप को चिपकाएं। उनके बीच के गैप को फ्रेम से थोड़ा छोटा करें। यहाँ हम वो सब कुछ इकट्ठा करेंगे जिस तक हमारा बच्चा अभी तक नहीं पहुँच सकता। बच्चे की तस्वीरें न केवल एक अच्छी सजावट होंगी बल्कि ये भी याद दिलाएंगी कि माता पिता उसे कितना प्यार करते हैं। ओहो, हमने अपने प्यारे के साथ थोड़ा चमत्कार किया। रो मत, माँ यहाँ है। रॉक बाय बेबी, रॉक बाय। देखो, मुझे लगता है कि वो सो रहा है। इसे पकड़ो बच्चे, ये तुम्हारा पसंदीदा टेडी बियर है, इसे टाइट पकड़ो। ओ, ये प्यारी जोड़ी, पालने में वापस जाओ। एक बहुत ही अच्छा दिन और शानदार दिन आगे है। कल के लिए अपनी ऊर्जा पाएं। हमने आज इतना अच्छा काम किया और ये शानदार कमरा इसे साबित करता है।
वो जल्दी पानी से बाहर निकल जाएगा और स्कूल जाना शुरू कर देगा। लेकिन अब वो सुंदरता और प्यार करने वाले माता पिता के पास होगा और वो सबसे खुश होगा। क्या आपको हमारी प्यारी नर्सरी आइडियाज पसंद आए? तो फिर लाली लू को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे बच्चे को बड़ा होते हुए देखें।